वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस वक्शीर के बारे में है। हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी ने आईएनएस वक्शीर को लॉन्च किया है। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हम डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसमें आखिरी वाला है। चूँकि अभी इसे लॉन्च किया गया है तो कुछ समय तक चलेंगे सी ट्रायल्स। 12 से 18 महीनों का समय लगेगा बेसिकली सी ट्रायल्स में। उसके बाद हम इसे इंडियन नेवी को सौंप देंगे। जो आईएनएस वक्शीर है ये छठी सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत। 6 बनाई जानी थी और ये छठी वाली है। मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसे तैयार कर रहा है, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है उसकी कोलैबोरेशन के साथ। इसे नाम दिया गया है एक सैंड फिश के नाम पे, जो कि डीप सी प्रेडेटर है, शिकारी मछली होती है, समंदर की गहराइयों में पाई जाती है इंडियन ओशन के रीजन में। तो ये तो इसके नाम का एक कारण है। एक दूसरा कारण भी है, बेसिकली हमने रशिया से जो पहली सबमरीन खरीदी थी उसका नाम वक्शीर ही था। 1974 में उसे कमीशन किया गया था, 1997 तक इसने इंडिया को सर्विसेज दी थी। तो चूंकि वो रशिया से खरीदी जाने वाली पहली सबमरीन थी तो उसी के नाम पर हमने इसका नाम भी आईएनएस वक्शीर ही रखा है। फीचर्स की बात करें तो 20 नॉट की स्पीड ले सकता है जब ये पानी के भीतर हो, सबमर्ज्ड हो, और 11 नॉट्स की स्पीड जब ये सरफेस पे हो। डीजल अटैक सबमरीन है, हम इससे ऑफेंसिव फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं एडवर्सरी को वॉरफेयर की कंडीशन में। ये सी डिनायल और एक्सेस डिनायल में कैपेबल है। सी डिनायल और एक्सेस डिनायल का मतलब सिंपली यही होता है कि समंदर का वो एरिया जो आपके डोमेन में है उसे आप एनिमी कंट्री को इस्तेमाल ही नहीं करने देते। मतलब उसको पता होगा कि अगर आप वहाँ पे आएंगे तो आपको थ्रेट हो जाएगा या आप डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस में जैसे कि एंटी सर्फेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस, इन सब में भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। C303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये एक बार में 18 टॉर्पीडोज कैरी कर सकता है या एग्जोसेट एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है। अगर आपको 18 टॉर्पीडो नहीं लगाने हैं तो आप 30 माइंस इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं टॉर्पीडो की जगह पे। सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है। सबमरीन की सबसे खास बात यही होती है कि पता ना चले कि सबमरीन है, नहीं तो अटैक कर दी जाएगी। तो स्टेल्थ फीचर बहुत ज़रूरी होता है कि वो छुप के रह सकती है कि नहीं। एडवांस अकॉस्टिक एब्जॉर्बेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये आवाज़ नहीं करेगी। रेडिएटेड नॉइज लेवल भी बहुत कम है। हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज किया गया है इसके शेप को कि जब ये चले तो पानी की आवाज़ भी ना आए। और इसकी एबिलिटी है कि प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स को इस्तेमाल करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। अंडर प्रोजेक्ट 75 जो 6 बनाए जा रहे हैं उनमें से आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला, ये तो कमीशन किए जा चुके हैं। और जो आईएनएस वगीर है वो सी ट्रायल्स पे है और आईएनएस वक्शीर भी अब सी ट्रायल पे चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है यूपीएससी 2023 के बारे में। 2023 के जो फाउंडेशन बैच है उसे आप अवील कर सकते हैं, जहां पे आप प्रॉपर शेड्यूल के साथ अपनी तैयारी को बेसिक से लेकर एडवांस तक कर सकते हैं। इसमें आपकी 21 बुकलेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर आप 2023 के लिए अवील कर सकते हैं IDMP, जहां पर आप टारगेटेड वे में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट के साथ। इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको video.onlyias.in पे जाना होगा, जबकि इसके लिए आपको dpp.onlyias.in पे जाना होगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। रशिया ने भी हाल ही में से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला करने में सक्षम है। ये रशियन लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकती है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, MIRV। देखिए MIRV की शुरुआत तो जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, USA और USSR के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चलता था तब का है। उस समय होता यह था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल एक वॉरहेड लेकर जाती थी। तो फिर USA ने क्या किया कि USA के ये जो कैपेसिटी थी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर सकते थे, उसे काउंटर करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर दिया डिफेंस के लिए। अब इससे USSR को टेंशन हुई कि अब तो USA काउंटर कर सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो उन्होंने तैयारी करी कि क्यों ना ऐसा किया जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाए तो आप कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ कई सारे वॉरहेड्स एक साथ मारें। अब इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने में खर्चा बहुत आएगा ना। तो प्लान ये बनाया गया कि एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं जो एक बार में कई सारे वॉरहेड ले जा सके। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल एक ही है लेकिन वॉरहेड वो 3 ले जा रही है, बाद में वॉरहेड के 5 और 10 हो गए। तो ये पूरा एरा था MIRV का। इसको बोलते हैं री एंट्री व्हीकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एक ट्रेजेक्ट्री अवेल करता है, जहां पे वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाता है और फिर वो
अगेन एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे री एंट्री वर्ड इस्तेमाल किया गया। री एंट्री का मतलब ये नहीं है कि वापस से इसे बुला लिया जाएगा जो होस्ट कंट्री है उसके द्वारा। यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है दैट्स व्हाई इसे री एंट्री व्हीकल बोलते हैं। जो रशिया ने अभी बनाया है उसमें वो 10 से ज्यादा वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। ठीक है, रशिया का ऐसा कहना है कि लॉन्गेस्ट रेंज का डिस्ट्रक्शन कर सकता है टारगेट्स का पूरी दुनिया में। जो सरमात है इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एल्यूट कर सकता है, सरपास कर सकता है। बिकॉज जब ये अपने वॉरहेड्स छोड़ते हैं तो कुछ डमी वॉरहेड्स होते हैं और कुछ ओरिजिनल वॉरहेड्स होते हैं। अब इसमें पता नहीं चलता कौन सा डमी है कौन सा ओरिजिनल है, तो अक्सर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता और कुछ न कुछ वॉरहेड्स तो गिरी जाएंगे। शॉर्ट इनिशियल बूस्ट फेज है, बहुत ही जल्दी बूस्ट मिल जाएगा, तो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा किसी भी एनिमी कंट्री के सर्विलांस सिस्टम के लिए। जो इसका नाम है सरमात, वो बेसिकली एक नोमैडिक सरमेतियन ट्राइब के नाम पे दिया गया है जो 6th to 4th century BC के बीच में हुआ करती थी, वर्तमान में जो यूक्रेन कजाकिस्तान रशिया का एरिया है वहां पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैट के बारे में है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। अभी हाल ही में एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, CAT ने जो ये ड्राइव है इसे अपनी 19 बेंचेस में चलाया है कि वहाँ पर कितनी अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं जो सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स हैं उन्हें। देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A के तहत बनाया जाता है। इनका बेसिक काम ये होता है कि जो लोग पब्लिक सर्विसेज में हैं उनके रिक्रूटमेंट या कंडीशंस के रेस्पेक्ट में अगर उनके पास कोई कंप्लेन है, कोई डिस्प्यूट है, उनकी पेंशन के संबंध में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन ट्रिब्यूनल्स में जाके रिजॉल्व करवा सकते हैं। आर्टिकल 323A इस संबंध में प्रावधान करता है। इसे आधार बनाकर गवर्नमेंट ने पास किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 और सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे अथॉरिटी मिल जाती है कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने की। फर्दर इसी के तहत स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्पीडी जो रिड्रेसल है वो होने लगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी पब्लिक सर्वेंट्स की उनकी। तो कुल मिलाकर जो कैट है, चूंकि 1985 में ये पूरा कानून आया था तो राजीव गांधी जी का समय था जब इसे एप्लीकेबल बनाया गया। कैट की पूरे भारत में वर्तमान में 19 बेंचेस हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें इस बारे में एक्सपीरियंस होता है। चेयरमैन या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस होता है, कोई IPC CRPC के तहत ये काम नहीं करते। इसका जो सेक्शन 17 है ये उन्हें ऑथोराइज करता है कि जो हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है बिल्कुल वैसे ही इनके पास भी अधिकार रहेंगे। इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इनके पास जो अथॉरिटी होती है वो हाई कोर्ट के जजेस के जैसी ही होती है, जो 2006 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट इनको ग्रांट करता है। ये सारी बातें तो कैट के बारे में होगी। देखिए, समझ में प्रश्न आया था 2009 में, पहला तो यही था कि जो कैट था उसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में सेटअप किया गया था। दूसरा कि कैट जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों प्रकार के मेंबर्स को अकोमोडेट करता है, तो पहला तो गलत था क्योंकि राजीव गांधी जी का समय था। दूसरा सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निधि कंपनीज के बारे में है। सरकार ने अभी निधि अमेंडमेंट रूल 2022 को रिलीज किया है। ये निधि रूल 2014 में अमेंडमेंट होगा ताकि आम लोगों के इंटरेस्ट को, हितों को बचाया जा सके। क्या होती है निधि कंपनीज? निधि कंपनीज नॉन बैंक लेंडर्स होते हैं जो लेंडिंग तो करते हैं लेकिन ये बैंक नहीं होते। इनके पास जो फंड्स आते हैं वो केवल इनके मेंबर्स से ही आते हैं और ये केवल इंडिविजुअल्स को ही लोन दे सकते हैं, किसी कंपनी को लोन नहीं दे देंगे। चूंकि ये लेंडिंग करते हैं इसके लिए डिपॉजिट भी लेते हैं अपने मेंबर्स से। सपोज कहे कि 200 लोग हैं जो निधि कंपनी के मेंबर हैं तो 200 लोगों से ये पैसे ले लेंगे और फिर किसी इंडिविजुअल को ही लेंड कर सकते हैं। तो जो इनका डिपॉजिट टेकिंग मैकेनिज्म है उसे RBI रेगुलेट करता है और जो इनका मैनेजमेंट है या ऑपरेशनल मैटर्स हैं उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स देखता है। निधि कंपनी को पहले खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है। ये थोड़ा सा अलग होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उन्हें ज़्यादा डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ज़्यादा जानकारियाँ शेयर करनी पड़ती हैं क्योंकि आम लोग इससे जुड़े होते हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। निधि कंपनीज किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकते, ये केवल इंडिविजुअल मेंबर को ही लोन दे सकते हैं। निधि अमेंडमेंट रूल 2022 में क्या प्रावधान किया गया? शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है, लेकिन केवल इतने से कोई निधि कंपनी शुरू नहीं होगी। पहले किसी कंपनी को यूनियन गवर्नमेंट जब तक निधि कंपनी के रूप में डिक्लेयर ना कर दे तभी वो निधि कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन जरूरी है। फर्दर मिनिमम मेंबरशिप 200 लोगों की होनी चाहिए और 120 दिनों के भीतर जब आपने खुद को इनकॉर्पोरेट किया निधि कंपनी के रूप में तो 120 दिनों के भीतर, या कि आप देख सकते हो 4 महीना हुआ ही ना, 4 महीने के भीतर आपके साथ 200 लोग जुड़ जाएं और आपके पास 2 मिलियन का फंड हो, 20 लाख रुपए का फंड हो, तब आप इस कंपनी को शुरू कर सकते हैं। प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो निधि कंपनी के हैं
उन्हें फिट और प्रॉपर पर्सन के रूप में अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। यहाँ पर डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है। सरकार के पास आपने निधि कंपनी के अप्रूवल के लिए प्रावधान रखा है या अपना एप्लीकेशन दिया है, उन्हें 45 डेज के भीतर इसे प्रोसेस करना होगा। अगर उन्होंने 45 डेज के भीतर इसे प्रोसेस नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर दिया गया है। कितना बढ़िया सिस्टम है ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ताकि उन्हें रिस्क हो कि अगर आपने 45 डेज में 30 डेज में से नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर अगर कोई घपलेबाजी आई तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, कोई और नहीं। तो ये प्रावधान यहाँ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में है। निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट अनाउंसमेंट में कहा था कि हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को खोलेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस यूनिट्स होंगी जो बैंक्स की होंगी। वहाँ पर बेसिकली वो डिजिटल सर्विसेज देंगे, स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स इन यूनिट्स के माध्यम से लोगों को दिए जाएंगे। जो बाकी की एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं वो तो मिलेंगी। अब यहाँ पर जो मामला है DBU यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, कौन खोलेगा इन्हें? वही कमर्शियल बैंक्स ही खोलेंगे। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक्स भी इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ज़रूरी है कि उनके पास कुछ डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो। टीयर 1 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स तक जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पर इन्हें खोला जा सकता है। यहाँ पर एक बात और है कि एक प्रकार से जो यूनिट्स हैं ये किस प्रकार की सर्विसेज देंगी। यहाँ पर इनको दो तरीके के दो फ्रंट पे सर्विसेज देने होंगे, एक तो लायबिलिटी के फ्रंट पे और दूसरा फ्रंट पे, और दूसरा यहाँ पर एसेट के फ्रंट पे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिपॉजिट एक बैंक लेता है वो लायबिलिटी होती है और जो आप लोन देते हैं वो एसेट होता है। तो जब आप लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं तो लेने का प्रोसेस पूरा डिजिटल कर दीजिए, और जब आप लोन दे रहे हैं तो देने का प्रोसेस भी डिजिटल कर दीजिए। तो दोनों ही फ्रंट्स पे ये यूनिट्स डिजिटल सर्विसेज देंगी, जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट का खोलना, गवर्नमेंट की और सर्विसेज जो बैंकिंग के थ्रू जाती हैं उनको पहुंचाना, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिजिटल किट कस्टमर्स को देना, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इशू करने के प्रोसेस को ऑनलाइन कर देना, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल मोड में प्रोवाइड करवाने लग जाइए इन डिजिटल यूनिट्स के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चेन्नाकेश्वर टेम्पल के बारे में है। काफ़ी पुरानी परंपरा है कर्नाटका के बेलूर में, जो बहुत ही ऐतिहासिक चेन्नाकेश्वर टेम्पल है, वहाँ पर जब एक रथ यात्रा निकलती है तो कुरान के कुछ वर्सेस रिसाइट किए जाते हैं। ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। जिन्होंने अभी इसे रिसाइट किया उन्होंने कहा कि उनके पिता और उनके पिता इसे रिसाइट किया करते थे और उनके बाद उनके बेटे इसे रिसाइट करेंगे। ये काइंड ऑफ रिलीजियस हारमोनी को पोर्ट्रे करता है कि एक हिंदू टेम्पल की रथ यात्रा में कुरान के वर्सेस को परंपरा के रूप में बहुत लंबे समय से रिसाइट किया जाता रहा है, जबकि वर्तमान में आपको कई सारी जगहों पर कम्युनल हारमोनी की खराब स्थिति दिख रही होगी। 900 साल पुराना चेन्नाकेश्वर टेम्पल आपको विजयनगर स्टाइल में मिलेगा। होयसल किंग विष्णुवर्धन ने इसे बनवाया था। 1116 AD में उन्होंने चोलास के खिलाफ एक बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ तलकत, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। उसके बाद इस मंदिर को बनवा के इसे विजयनगर टेम्पल नाम दे दिया गया था। 12वीं शताब्दी का जो ये टेम्पल है ये सॉफ्ट सोपस्टोन से बनाया गया है, क्योंकि ये पत्थर थोड़े नरम होते हैं और इन पर कार्विंग करना आसान होता है। दो क्राफ्टमैन थे इसमें, दसोजा और चवना, ये पिता और पुत्र थे, तो डुओ था इनका। इन्होंने इस पूरे जो मंदिर है उसे तैयार किया। ये कल्याण चाणक्य आर्ट का जो सेंटर है वहां से बिलोंग करते थे। बेलूर की बात करते हैं, इसे वेलापुरी, वेलूर, बेलापुर कई सारे नामों से पुकारा जाता था। यागाची रिवर के किनारे ये लोकेशन है। होयसल्स की ये पहली कैपिटल भी हुआ करती थी। इसे काफ़ी पवित्र स्थान माना गया है। इसे अर्थली वैकुंठ या विष्णु जी का, भगवान जो विष्णु हैं उनका घर बताया जाता है, या दक्षिण वाराणसी, सदर्न होली सिटी, जो वाराणसी आपको नॉर्थ में मिलता है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण का बनारस इसे कहा जाता है। तो पवित्र जगह है ऐसी मान्यता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के बारे में है। ICCC बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें स्मार्ट सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। अभी हाल ही में ये बताया गया कि 80 ICCC बनाए जा चुके हैं स्मार्ट सिटीज़ में। ICCC काफ़ी वाइटल होता है किसी भी स्मार्ट सिटी को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम बेसिस पे वहाँ क्या चल रहा है उसे चैनलाइज करने के लिए। ये कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर होता है जो वाटर, पावर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रैफिक मूवमेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिटी कनेक्टिविटी, इंटरनेट इंफ्रा, इन सबको ओवरसी करता है। कुल मिला के ये एक स्मार्ट सिटी का नर्व सेंटर होता है। जो ICCC होता है वो देखता, उसके पास आपको सारा ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा, जो LED स्ट्रीट लाइटिंग है, CCTV सर्विलांस है, एयर क्वालिटी सेंसर्स है, उन सबका डेटा आपको इसी जगह पे मिलेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से मॉनिटर करना,
और अभी तो कुछ समय पहले क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से भी IEEE को जोड़ दिया गया ताकि स्मार्ट सिटीज उससे भी लिंक हो जाएं। और COVID-19 के समय में भी इसने COVID-19 मैनेजमेंट में काफी की रोल प्ले किया। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके माध्यम से सिटीज को स्मार्ट सॉल्यूशंस देने थे। 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि 5 सालों में हम इन्हें वो कंप्लीट स्टेटस दे देंगे। यद्यपि इस पे काम अभी चल ही रहा है। रिविजन करते हैं। INS वगशी समर्थ क्लास ऑफ सोल पेट्रोल वेसल है। सबसे पहले तो ये सबमरीन है तो गलत हो गया। कैट इसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में सेटअप किया गया, गलत है, राजीव गांधी जी। निधि कंपनीज RBI इनके डिपॉजिट टेकिंग को रेगुलेट करता है, सही है। चेन्नकेश्वर टेम्पल उड़ीसा, गलत है, कर्नाटका। स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सही है। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे। QR कोड स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाइए, PDF को डाउनलोड करिए और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।